टैबलेट आए हैं बिकॉज ट्रायंगुलर करके डालना तो मैं थोड़ी और डालना चाहूँगा। ओके, मे बी मेक नाइस 60 ml। बर्फ़ का टुकड़ा गिरा इस ग्लास पे और ये ग्लास चल। इस चीज़ की तो यार पिए हुए बहुत टाइम हो गया यार, और वो भी इस प्राइस रेंज में 1750 में। पार्टी ओके करके कोई नई टैबलेट आए हैं हैंगओवर से बचाने के लिए। एक किया मुंह में। One is down। वहीं डाला। Two down। तो ये मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। ये पार्टी स्मार्ट की जगह कोई नए टैबलेट्स आए हैं 190 में 10 टैबलेट, मतलब 19 रुपये पर टैबलेट। थोड़ा महंगे है आज भैया। हो रहा है कंपैरिजन ग्रैंड्स ट्रिपल वुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का। साइड में देखेंगे यहाँ लिखा है द मेकर द मसल द मास्टर। अब ये बॉटल मुझे पड़ी है 1750 रुपीज़ की, 1750 रुपये की। देखना पड़ेगा कि इतनी कंपैरेटिव प्राइस रेंज में ये अच्छी है कि बुरी है। अच्छी बात ये है कि काफ़ी अच्छी पेशकश है इसकी। इफ़ यू लुक एट द वे द बॉटल लुक्स, आई थिंक काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मुझे ये ग्लेनफिडिक की याद दिला रही है बिकॉज ट्रायंगुलर करके इसका फेस है एंड सारे यहाँ पे मार्क्स अच्छे लगे हुए हैं। वेरी गुड कैप, अगर कैप पे फोकस करें तो। लेट्स ओपन इट बिना किसी देर के। मुझे 7 दिन हो गए दारू पिए हुए। मेरा नोजिंग ग्लास इसमें थोड़ी डालेंगे पहले। स्टॉपर लगा हुआ है ऊपर तो अच्छी बात है। खाली प्रीमियम विस्कीज़ में स्टॉपर लगा होता है, तो ये विस्की खुद को प्रीमियम मानती है और मुझे ये कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज इट ऑल्सो सेज द मेकर एक्सपर्टली डिस्टिल्स आर प्रेशियस स्पिरिट, द मसल स्कल्प्स आर कास्ट बाय हैंड, द मास्टर स्किलफुली ब्लेंड्स विस्कीज मैच्योर्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड। थोड़ा बहुत वरीसम साइन है मेरे लिए। स्मेल की बात करूँ तो काफ़ी रेड लेबल से मिलती जुलती स्मेल। अच्छी स्पिरिट आ रही है बाहर। ग्रेन की ज़्यादा फील आ रही है, पता नहीं क्यों। इधर लिखा है मैच्योर्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड फॉर स्मूथ रिच मेलो टेस्ट। हर जगह यही लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड है तो मतलब इम्पोर्टेड है। 43% ABV। स्मेल के लिए थोड़ा ज़्यादा कभी कभी मुझे लगता है अगर हम इसमें डालेंगे तो मे बी स्मेल थोड़ी बदल जाएगी। ये मेरा ग्लास है, माई न्यू ग्लास से हेलो। ग्लास का नाम है गोली। टीचर्स हाईलैंड की स्मेल दिला रहा है मुझे ये। 1750 में ये आती है। इसी प्राइस रेंज में 1550 में आपको टीचर्स हाईलैंड मिल जाएगी और 1800 रुपये में आपको मिल जाएगी टीचर्स हाईलैंड रिजर्व। और आपको इस कैटेगरी में ब्लैक डॉग मिल जाएगी आई थिंक फॉर अबाउट 1800 रुपीज़ फॉर द सेम थिंग। एंड रेड लेबल यू विल गेट फॉर 1700 और 1750 रुपीज़, मे बी 1700 रुपीज़ की अबाउट टेक। तो इसी प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी विस्कीज़ है। मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट प्राइस रेंज, द 1800 रुपये प्राइस रेंज। आई थिंक जेमेसन भी इतनी की आती है, 1600-1800 रुपये की। ब्लैक एंड वाइट अगेन एट द सेम प्राइस रेंज, 1400 to 1700 bucks। सो which is the best whiskey? I think I'm going to do a video for that, but let's see what Grants is all about. I'm going to take a neat sip. Very nicely balanced. बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। जो मुझे ग्रेनी स्पिरिटेड एसेंस लग रहा था उसमें बिल्कुल नहीं आया। काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आया है। प्रीटी गुड। नीट हम इसका नहीं पिएंगे, हम पानी और बर्फ़ डालेंगे बिकॉज जिस तरीके की विस्की है ये बुला रही है, कह रही है कि यार मुझे थोड़ा आजमा। पहला ड्रिंक है, मेरा मूड नहीं है इतनी कम डालना तो मैं थोड़ी और डालना चाहूँगा। ओके, मे बी मेक नाइस 60 ml। ओके, 60 ml पोर कर दिए मैंने। अब इसमें मैं आइस डालूँगा। बहुत आइस है मेरे पास, इतनी तो पीने भी नहीं वाला आज। 1 2। देखिए भाई साहब, आप विस्की पे पैसे खर्चे या ना खर्चे, ओ माय गॉड मैंने ग्लास तोड़ दिया। बर्फ़ का टुकड़ा गिरा इस ग्लास पे और ये ग्लास चकनाचूर हो गया। कल भी मैंने एक गुस्से में आके ऐसा एक ग्लास तोड़ दिया था। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है ज़िंदगी में, शायद एक बार जब मैं इतना गुस्सा आता है जब मैं डिस्ट्रक्टिव बन जाता हूँ, और कल मुझे इतना गुस्सा आया था और आज फिर एक और ग्लास शहीद हो गया। घर वाले सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहा है ये। एनीवेज मैन, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया मेरे साथ यार। एनीवेज 3 आइस क्यूब। थोड़ा बहुत मूड ख़राब हो गया है लेकिन मूड बरकरार रखेंगे, हम सही रहेंगे, हम कूल रहेंगे। गुस्से वाले कूल नहीं, अच्छे वाले कूल। एक ग्लास को देख के दुखी हो रहा हूँ मैं। एनीवेज सो एज यू कैन सी दिस इज माय न्यू ग्लास। एक ग्लास गया, न्यू ब्लड जॉइंस दिस अर्थ एंड क्विकली ही सबड्यूड। इफ यू लाइक दिस ग्लास आई विल पुट अ डिस्क्रिप्शन, अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो बाय इट। एंड नोजिंग ग्लास भी अच्छा है ड्रैम क्लब का। ये ग्लास गई कोई 400, 500, 600 रुपये ऐसी कुछ था। इसको 5 मिनट बैठने दे फिर आते हैं वापस। ये ग्लास से मज़ा आएगा, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है इससे कोई कहानी की शुरुआत होने वाली है। पाँच मिनट हो चुके हैं, 5.5 मिनट लगा लीजिए। ग्राम्स का रिव्यू चल रहा है। लार्ज बनाई थी मैंने विद आइस एंड वाटर। एक ग्लास भी टूटा था उस दर में। यहाँ चीयर्स। कल जैस्पर का बर्थडे है। चीयर्स जैस्पर। I was not expecting this. एक सेकंड, हाँ शायद गलतफहमी होगी, गलती होगी शायद मुझसे। क्या बोलूँ मैं यार, इतनी डिलिशियस विस्की है ये। क्या टेस्ट है, मतलब हनी और कैरमल और वनीला का जो मिश्रण है इसमें, इतना प्लीजिंग टेस्ट है ना इसका। बिल्कुल फर्स्ट टच ऑन द पैलेट। मुझे मजाक नहीं कर रहा, मुझे अमरूद फ्यूजन की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे रेड लेबल हाईलैंड, टीचर्स हाईलैंड और ऑल सीजन्स और रॉकफोर्ड रिजर्व का मिक्स करके बेस्ट वर्जन बना दिया हो। इतनी टेस्टी इसकी तो यार पिए हुए बहुत टाइम हो गया यार, और वो भी इस प्राइस रेंज में 1750 में। टूट कयामत। क्या आफ्टर टेस्ट है यार, बिल्कुल सिल्की मुलायम, बहुत अच्छा आफ्टर टेस्ट है, बहुत अच्छा सुरूर है, बहुत अच्छी तरीके से पेक हुई है। कमाल है यार, मतलब वाओ। आई वॉज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई प्रॉमिस यू। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आया और ये होगी कोई विस्की मैन, बट शूट, मतलब ये स्टैंडर्ड वाली विस्की यार, कोई वैसे एरो। इट्स नॉट एन एवरी डे विस्की मैन, दिस इज समथिंग फॉर द मैसेज ब्रो। ग्रैंड्स ट्रिपल वुड कह के ना मेरे को ये अजीब कर रहे थे, बट एक्चुअल में टेस्ट इज वेरी गुड मैन। अगर मुझे आप कहेंगे एक विस्की से कंपेयर करके बता कि इसका टेस्ट किससे मिलता है, एक विस्की, सिर्फ एक विस्की का नाम ले सकता हूँ तो मेरे दिमाग में दो आ रही है, माफ़ी चाहूँगा। गोल्ड लेबल की मेरे को याद आ रही है और ग्लेनफिडिक 18 की याद आ रही है, जबकि गोल्ड लेबल थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है और ग्लेनफिडिक 18 भी सोफिस्टिकेटेड है। पर मैं क्या कहूँ यार, मुझे दोनों की याद आ रही है क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा है यार। इतने फास्ट पी रहा हूँ मैं, प्लीज़ जज कर लो यार, कोई जज कर लो। बड़े दिन हो गए जज नहीं किया किसी ने। I don't care, I'm enjoying myself, bro. Give the guy a break. सेकेंड ड्रिंक की तरफ दौड़ता हुआ कमर बादशाह। भाई क्या सेक्सी टेस्ट है यार इसका। मुझे ओके, ये इतना बना लिया मैंने। 9 on 10 so far 9 on 10। बाद में देखेंगे क्या होगा बाद में, बट क्या ड्रिंक है यार। मैं एक और बनाऊंगा इसका ताकि आप लोग समझ सके मैं क्यों इतना पसंद इसकी इतनी वो क्यों कर रहा हूँ। इसकी प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही मिसलीडिंग है। इसकी स्मेल की बात करें तो थोड़ी बहुत स्पिरिटेड स्मेल है, लेकिन पानी के साथ मिलते ही इसके आई थिंक ये अलग ही रूप धारण कर लेती है। वेरी लशियस क्रीमी वॉलनट ड्राई फ्रूट वाला स्टैंडर्ड टेस्ट है। कोई इतना आपको मैं दूंगा आप बता भी नहीं सकेंगे कि ये दिस इज़ ग्रैंड्स या फिर इट इज़ टीचर्स या फिर इट्स रेड लेबल, यू विल नॉट बी एबल टू टेल, या फिर कोई और अनगिनत इंडियन विस्कीज़ में से है। कलर से भी आप कुछ नहीं बता सकेंगे। आप मुझे ये देते हो तो मैं कहता रॉकफोर्ड रिजर्व क्यों दे रहा है भाई, लल्लू समझा अपने को, लल्लू तो मैं हूँ। एनीवेज, व्हाट अ टेस्ट डूड, एक ही ड्रिंक ने ऐसे कर दिया यार। हाँ भाई 7 दिन बाद पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार बिल्कुल सेक्स्ड आउट सुरूर। आउटस्टैंडिंग टेस्ट डूड। आगे जाने से पहले एक बार नीट ऐसी अपना केकड़ा साल ओके, डोंट डू दिस, ओके डोंट डू दिस, यू गेट फक्ड। सेकंड ड्रिंक नाटक असाइड, नाटक ने सही में वाट लगी थी, ऐसे मत पीना। चीयर्स। I want to say some things. If you ever had Rampur, you will feel that Rampur has something, you know, when you have Rampur, you feel the sense of up and up. So this whiskey also has that up and up about it. But the good thing about this whiskey is that it is multi-dimensional. It is not one-sided. I think the more water and ice you add and let it settle, the more fun you will have. आप जितनी आइस डालेंगे, जितना बर्फ़ डालेंगे, जितना कारनामे देखना चाहेंगे, ये विस्की उतने आपको दिखाएगी। बर्फ़ थोड़ी टक्कर की रखना, और हाँ भाई आसपास के गिलास मत रखना, वरना ग्लास भी आपका चकनाचूर हो जाएगा, जो आज मेरे साथ हो गया। मैं शो ऑफ करने वाला था ये कह के कि भाई देखो मेरी बर्फ़ इतनी अच्छी होती है, तुम लोग दारू क्यों खरीदते हो, तुम लोग बर्फ़ ही बेकार होती है। तो मेरे को कर्मा केम एंड गॉट माई एस बिफोर आई कुड सी एनी थिंग। सो कर्मा से सावधान रहिए, कर्मा आजकल हर जगह है। अच्छा करोगे तो कर्म उसी वक्त मिलेगा, बुरा करोगे तो कर्म उसी वक्त मिलेगा। तो कर्मा से बच के रहिए। जो आप के अंदर की भावनाएं हैं उन्हें व्यवसाय मत बनाइए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डू मोर गुड इन द वर्ल्ड एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड। व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड यू सी अ हंग्री डॉग, गो एंड फीड द डॉग। When you are in a line and there are 5 people waiting, let the guy behind you go ahead of you. If you are at the toll booth, pay the toll for the person behind you. 20 rupees, 40 rupees, 60 rupees, just do it, you know, and see what happens. When you are, you know, driving and someone is trying to get ahead, wait. Let 5 people cross the road, let 10 cars come. पीछे वाला हॉर्न मारेगा, मारने दो, उसके अंदर नहीं है भाई वो। कर्मा का योग उसके अंदर नहीं है भाई, हमारे अंदर है। तो अच्छे कर्म करिए। लोग काफ़ी भौंकते हैं आजकल YouTube पे मेरे बारे में, भौंकने तो सालों को कुत्ता खा ले सारे के सारे। पैओ मज़ा आया। थोड़ी बहुत इसका हाई, थोड़ा बहुत इसका हाई टीचर्स हाईलैंड से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ मिसिंग इंग्रेडिएंट भी है। तो जो मैंने 9 की रेटिंग दी थी उसको मैं डाउनग्रेड करके 7.5 तक लेके आ गई। तो फिलहाल 7.5 से 8 रंक, मोस्टली 8 ही है ये ड्रिंक, बट मज़ेदार ड्रिंक है। अगर आपने कभी ग्रैंड्स नहीं पी तो ज़िंदगी बीती जा रही है भैया। अपन ऑलमोस्ट 39 साल का हो गया भाई। 39 साल का कोई बंदा देखा है? अपन है 39 साल का, जीवित है, मखाने खा रहे हैं। पिछली बार मंगलवार को पी थी, आज भी मंगलवार है। सानू कहना चाहूँगा मैं, हाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा सारे नॉर्थ इंडियंस को, अपन भी नॉर्थ इंडियन है। तुम लोगों ने क्या किया है जो तुम सेलिब्रेट कर रहे हो साउथ इंडियन फिल्मों की अचीवमेंट? नाटू नाटू जब वक्त आता है तब तो हम साउथ इंडियंस की हमेशा मारते रहते हैं। अब क्योंकि वो ऑस्कर जीत गया तो सारे के सारे हिपोक्रेट्स अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल रहे हैं, इंडियन हैज़ डन इट, इंडियन हैज़ डन इट। अबे शर्म कर लो थोड़ा, शर्म कर लो थोड़ा। अगर आप में आपने पहले कभी रिस्पेक्ट किया है साउथ इंडियंस को फॉर वट एवर रीज़न, आई रिस्पेक्ट यू मैन, बट अगर आप अभी बैंड वागन पे जंप कर रहे हैं क्योंकि हमारा हाँ साउथ इंडियन आए, तो आपसे फुकरा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं। माफ़ी चाहूँगा, ये विस्की का रिव्यू था, लेकिन भाषण देना भाई अनिवार्य है, आप उनका है भाई। उस दिन किसी ने लिखा आप कितने अब्सर्ड वीडियोस विस्की रिव्यूज़ करते हो भाई, कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ ले ही नहीं है भाई। ग्रैंड्स का रिव्यू हो रहा है ना भाई, ग्रैंड्स की ग्रैंड की बात करते हैं। ग्रैंड यू ग्रैंड इंडियन यू ग्रैंड नो बॉल्डिंग इंडियन यू ग्रैंड मे बी मैन बी वाई पैक ब्रा। अभी ज़्यादा वेट नहीं कर रहे, एक दो मिनट हुए भाई पी रहे। चेरी जितनी देर में आपने ये आया जब तक यहाँ तक आए उतना ही हुआ है, उससे 5-10 सेकेंड ज़्यादा हुए होंगे, उतना ही वेट किया भाई। चेरी ले में है ड्रिंक। मुझे ये याद दिला रहे जेमिसन की, रामपुर की, टीचर्स हाईलैंड की, रेड लेबल की अभी फ़िलहाल याद दिला नहीं दिला। रॉकफोर्ड रिजर्व को मैं निकाल दिया। रॉकफोर्ड रिजर्व में एक स्वभाव है, रॉकफोर्ड रिजर्व को मैं 10 में से 10 देता हूँ। मैं टीचर्स हाईलैंड को मैं 10 में से 8.5 देता हूँ, रामपुर को मैं 10 में से शायद 7 देता हूँ, और जेमिसन को मैं 10 में से शायद 8 अंक देता हूँ। द बेस्ट 8 और 10 whiskey perhaps, a bit of a cheapy whiskey if I can say so myself, but ग्रैंड्स की बात करूँ तो मजाक नहीं कर रहा, ये किन मौक़ों में आपको पीनी चाहिए भाई। मान लो आपका कल बर्थडे है, ग्रैंड्स ले आइए और अपने बेस्ट फ्रेंड मोहित और रोहित और सोहन और चिंपू और सनी और बिरजू और मुस्तफ़ा और जनार्दन और जानकी और आरती और आकृति और पवित्र, सबको लेके आइए, सबको लेके आइए, सबको कोपचे में लेके आइए, जेम्स को भी लेके आइए, जेमस को भी लेके आइए, जेम्स को भी लेके आइए। एंड हैव दिस विस्की मैन। क्या आपके कोई दोस्त नहीं है? हाथ में लाइए। मेरे भी कोई दोस्त नहीं है। किसी ने कहा है जो सच बोलते हैं उनके दोस्त नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा ज़िंदगी में ना थोड़ा एंग्स्टी हो गया हूँ, अब ना मैं टॉलरेट नहीं कर सकता लोगों को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा आई डोंट नो मैन, आई समहाउ हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ मेकिंग अ फ्रेंड, कीपिंग अ फ्रेंड, सस्टेनिंग अ फ्रेंड। आई डोंट थिंक आई हैव एनी फ्रेंड्स लेफ्ट एनी मोर, सो चीयर्स टू हैविंग नो फ्रेंड्स। आई मीन इट, दिस ड्रिंक इज़ फॉर ऑल द पीपल हु हैव नो फ्रेंड्स। आई गॉट यू डॉग, इफ यू गॉट मी डॉग। कोई है भाई, कोई दोस्त बन जाओ भाई। आप लोग जब कहते हो ना आई वुड लव टू हैव अ ड्रिंक विद यू, आई लव टू हैव अ ड्रिंक विद यू, मैं सोचता हूँ शायद ये मुझसे भी ख़राब है क्या भाई? ऐसा भी कुछ होता है कि हमसे भी कोई ख़राब होता है लोग? अगर आप लोग हमसे भी ख़राब हो तो लाइक बटन को दबा दो, शुक्रिया। चीयर्स टू ऑल ऑफ द पीपल जो मुझसे भी ख़राब है। ख़राब बोले तो मुझसे भी ज़्यादा फ्लॉड है, मुझसे भी ज़्यादा जिनका थोड़ा यू नो कोई पूछ रहा है क्या खा रहा हूँ मैं? मैम आप एक मखाना जो 1 घंटे से ऐसे पड़े हुए। तो भाई रिव्यू यही एंड करेंगे, बिकॉज अभी एक बियर भी लेके आनी है, बियर का भी रिव्यू आने वाला है। पैओ सब देखना, बियर के रिव्यू को भी सब्सक्राइब कर दो, सबके सब सब्सक्राइब करो। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं हो, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको, एक गाना गाऊंगा आपके लिए। किसी पे दो अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो हर कवर सिंह आनंद होता है। ये बहुत गंदा था, इसको मैं नहीं काटूंगा बिकॉज ये इतना गंदा था। जो मेरे निंदनीय लोग हैं, I think I'm a little drunk, bro. I'm just faffing now, bro. I'm just talking shit. So anyway, man.